भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे राम लला का मेला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आदि भजनों व जयकारों से गूंज उठी रावतसर नगरी। मौका था प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा का। रामनवमी के उपलक्ष में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से विराट रामोत्सव धर्म यात्रा रावतसर नई धान मंडी मैदान से प्रारंभ हुई। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, संत राघवानंद महाराज, बजरंग दल के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक, समर्था प्रमुख राजेश जोशी, कुलदीप नरुका, एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत, सुभाष खीशर, जगदीश शास्त्री सहित संघ के पदाधिकारी व राम भक्तों ने ध्वज पताका दिखाकर रामनवमी रामोत्सव धर्म यात्रा को रवाना किया। रामोत्सव यात्रा रावतसर के मुख्य मार्गों से होती हुई जोदावाला बांस राम मंदिर में संपन्न हुई। हजारों की संख्या में राम भक्त व हिंदू संगठनों की महिलाएं व पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। रामोत्सव यात्रा का जगह जगह हिंदू संगठनों एवं राम भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा एवं ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आइए विस्तार से जानते हैं कि रामोत्सव यात्रा को लेकर क्या बोले रामोत्सव आयोजन समिति के सदस्य। आज का बड़ा शुभ दिन है। रावतसर में हर एक बार धर्म यात्रा का आयोजन होता है और इस बार भी इसी कड़ी में धर्म यात्रा का आयोजन होना था, ये भगवान ने अटल लिख ही रखा था। लेकिन इस बार की जो धर्म यात्रा है वो अपने आप में अनूठी है, अलग है, ऐतिहासिक है। क्योंकि जिस राम लला के लिए, जिन राम जी को हम अपने हृदय में बिठा करके बचपन से लेकर के हमेशा पूजते आए हैं, और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जन्मते भी राम राम और मरते समय भी राम नाम सत्य, ऐसा हम कह करके अपना जीवन त्याग करते हैं, ऐसे भगवान राम 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर के अपने निज धाम में पूर्ण वैभव के साथ विराजे हैं। उसके बाद ये पहली अपनी धर्म यात्रा। 500 वर्ष की तपस्या के बाद 22 जनवरी को रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए थे। उसके बाद ये प्रथम रामनवमी का महोत्सव पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ की तहसील रावतसर में भी आज हमारी आवाज़ न्यूज़ की टीम आई है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद समिति के जो सदस्य हैं राजेश जोशी, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या विशेष है इस आयोजन को लेकर। जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद और रामोत्सव धर्म यात्रा सेवा समिति के माध्यम से रावतसर शहर के अंदर धर्म यात्रा निकाली जा रही है, परंतु इस बार की धर्म यात्रा वो खास है क्योंकि 498 साल के लंबे संघर्ष के बाद, असंख्य कार सेवकों के बलिदान के बाद, ये पहला मौका है जब श्री राम जी अपने गर्भगृह के अंदर सुंदर महल के अंदर विराजमान है। वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार से विभाजनकारी ताकतें समाज के अंदर जातीय जहर घोल करके हिंदू समाज को तोड़ने का जो प्रयत्न कर रही है, उस भाव को निरूपित करने के लिए, उस भाव को समाज से हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे हर वर्ष ये यात्रा तय की जाती है। आज असंख्य सर्व समाज के जो लोग आए हैं, इसमें किसी भी जाति बिरादरी का नहीं है, सब में एकता का भाव है, सब एक का भाव लेकर के एक हिंदू होने के नाते इस यात्रा में पहुँचे हैं। इस यात्रा को भव्य और सुशोभित करने के लिए शहर के सभी व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों ने अपना अमूल्य वो योगदान दिया है। विश्व हिंदू परिषद परिवार उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के अयोध्या में लला राम लला जी का जो विराजमान हुए हैं, उसके बाद में रावतसर प्रखंड के अंदर पहली धर्म यात्रा में बहुत सा लोग पधारे हैं, ये समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि फूल को तोड़ना हमारे हाथ का खेल है, छड़ी को तोड़ना हमारी लात का खेल है, तोड़ने फोड़ने में कोई कला नहीं बंद हो, टूटे फूटे को जोड़ना ही करामात का खेल है। यही करामात भगवान श्री राम जी ने दिखाई और वही कला का प्रदर्शन हमारे राम भक्त पूरे समरसता के भाव से पूरे भारत में फैला रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के इस भव्य
धर्म यात्रा में जो लोग पधारे उन सभी का अभिनंदन और आपका भी अभिनंदन कि आपने हमारी बात को और आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।